इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 5A के अंदर अगर आपको रिंगटोन की प्रॉब्लम आती है, रिंगटोन आपकी नहीं चल पाती है या फिर आपको कुछ और एरर दिखाती है, तो उन एरर्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप अपने फ़ोन को रिबूट कर लीजिए, यानी कि बंद करके खोल लीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ठीक तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होती है तो फिर सेटिंग्स में जाइए आप। और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर अबाउट फ़ोन के अंदर जाइए और यहाँ पर सिस्टम अपडेट आपको दिखेगा, तो अपने फ़ोन को जो है अपडेट कर लीजिए, जिससे कि यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए रिंगटोन से रिलेटेड। और इसको जो है पूरा कंप्लीट करने के बाद अपने फ़ोन को रिबूट भी कर दीजिएगा। तो यहाँ तक तो गए हमारी अपडेट की बात, लेकिन यहाँ के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नीचे जाना होगा, नीचे जाने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा। और जैसे ही एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसको खोल लेना है और यहाँ पर फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो अपने फ़ोन को जो है फॉर्मेट मार लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम जो है ये वाली ये सॉल्व हो जाए रिंगटोन से रिलेटेड। तो यहाँ पर यही एक तरीका है, बाकी आप अपने फ़ोन को जो है यहाँ पर रीसेट मारने से पहले बैकअप ले लीजिए अपने डेटा का, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस यही प्रोसेस है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जितना भी प्रोसेस हो हमारे Redmi Note 5 Pro में हुआ है, आप Redmi के किसी भी फ़ोन में ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।